वेलकम बैक लर्नर्स। अभी हमने डिस्कस किया डिमांड कर्व के बारे में, डिमांड फंक्शन के बारे में, डिमांड के बारे में किस तरीके से डिमांड तीन वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है, तीन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, किस तरीके से डिमांड कर्व बनाया जाता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, किस तरीके से हम एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड कर्व। This is price and this is quantity. And suppose this is the demand curve. This is demand curve D1, D2. यहां से लेकर के यहां तक ये D1 and D2 है। D1 and D2. हमने बात करी कि इकोनॉमी दो तरफ से पढ़ी जाती है, एक है सप्लाई साइड इकोनॉमी, एक है डिमांड साइड इकोनॉमी। नाउ दिस इज डिमांड साइड इकोनॉमी। तो आप क्या चाहते हैं कि सामान आप कब खरीदे, जब उसकी प्राइस सबसे ज्यादा हो या जब उसकी प्राइस सबसे कम हो। एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस कि हम प्रोडक्ट तब खरीदना चाहेंगे जब उसकी प्राइस सबसे कम हो। तो इकोनॉमी हमेशा ये चाहती है, यानी कि इंडिविजुअल या हाउसहोल्ड या इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट या हाउसहोल्ड इकोनॉमिक एजेंट्स ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस कम रहे ताकि हम उसे ज्यादा से ज्यादा खरीद सके। तो लोग चाहते हैं कि हमेशा हम इस तरफ रहे, प्राइस नीचे की तरफ, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा की तरफ। लेकिन इसके इन्वर्सली जो सप्लाई साइड इकोनॉमी है, सप्लाई साइड इकोनॉमी हमेशा ये चाहती है कि प्राइस हमेशा ज्यादा रहे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट अर्न कर सके। उसके लिए अभी हम सप्लाई पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ डिमांड कर्व। अब मैंने आपको बताया कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वेयर प्राइस एंड क्वांटिटी वेरीज इनवर्सली। प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी। इट मींस दैट द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज अ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर एज डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ व्हाट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल जो कि अपनी मर्जी से आगे और पीछे या ऊपर और नीचे मूव करता है। ये मर्जी भी बताई जाएगी आगे कि किस तरीके से प्राइस डिटरमिनेशन होता है, बट फॉर नाउ वील हम ये मानते हैं कि प्राइस मूव्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि प्राइस अपने आप मूव करता है, जिसकी वजह से डी यानी कि डिमांड डिपेंडेंटली मूव करता है। यानी कि इस रिलेशनशिप में, विच रिलेशनशिप इज बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस वेरीज इंडिपेंडेंटली एंड क्वांटिटी वेरीज डिपेंडेंटली। यानी कि प्राइस अपने आप बदलता है और प्राइस के अपने आप बदलाव आने की वजह से किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है। तो इस ग्राफ को, इस रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो वो स्टडी होता है सिर्फ एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व पे, एंड द डिमांड कर्व इज D1। अब हमने यहां पे बताया यहां पे कि सपोज अगर प्राइस P1 है और क्वांटिटी Q1 है, एंड प्राइस P2 हो गई और क्वांटिटी Q2 हो गई, तो प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी चेंज हो रही है। यानी कि जब इंडिविजुअल पॉइंट A पर था तो वो Q1 अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एंजॉय कर रहा था P1 प्राइस पर, लेकिन प्राइस घटने की वजह से वो पॉइंट बी पर आ गया जिस पॉइंट पे वो अब P2 प्राइस पे Q2 क्वांटिटी एंजॉय कर रहा है। तो इसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि वो डिमांड कर्व पे ही मूव कर रहा है, चाहे नीचे की तरफ को चाहे ऊपर की तरफ को। यानी कि अभी वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो व्हेन एन इंडिविजुअल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन इट इज कॉल्ड आउटवर्ड मूवमेंट टू इन द डिमांड कर्व। यानी कि वो डिमांड कर्व में आउटवर्ड मूव कर रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। यानी वो डिमांड कर्व में आउटवर्ड मूव हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है डिमांड का, डिमांड एक्सपेंड कर रही है क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस
कम हो रही है, यह है कंडीशन वन। यह है कंडीशन वन, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम प्राइस पी वन टू पी टू, द क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू एंड इट इज अ आउटवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट विच इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और ये डिमांड किस वजह से मूव कर रही है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपनी प्राइस की वजह से, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपनी प्राइस वेरी कर रही है इसलिए उसकी डिमांड एक्सपेंड कर रही है। ये है केस वन, केस वन। नाउ केस टू, केस टू, केस टू क्या है, केस टू ठीक इसका इनवर्स है। केस टू को हम इसके इनवर्स स्टडी करते हैं। हम ये मानते हैं कि इनिशियली प्राइस P2 थी और क्वांटिटी डिमांडेड Q2 थी, यानी कि शुरुआत में प्राइस P2 थी और अब प्राइस बढ़ करके P1 हो गई है, यानी कि पहले प्राइस कम थी और अब प्राइस बढ़ गई है, प्राइस नीचे से बढ़ के ऊपर की तरफ को बढ़ गई है। तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जो क्वांटिटी डिमांडेड Q2 थी वो घट करके अब Q1 की तरफ को आ गई है। तो इट मींस दैट व्हेन वी आर इंक्रीजिंग प्राइस P1 to P2, there is a decrease in the quantity demanded from Q2 to Q1. यानी कि P2 से P1 जब price बढ़ी, तो quantity demanded Q2 से घट करके Q1 हो गई, which means that now we are moving in the demand curve from point B to A. यानी कि अब हम move कर रहे हैं B से A की ओर, अब हम move कर रहे हैं point B से A की ओर, तो movement is from B to A, which means that there is a inward movement, अंदर की तरफ को move कर रहा है demand कर, there is a inward movement and this is called as contraction of demand, यानी कि demand अब कम हो गई है, पहले demand बढ़ गई, price घटने की वजह से demand बढ़ गई, तो उसे हमने कहा expansion of demand, अब quantity प्राइस घटने, प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, तो इसे हमने कहा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड अब कम हो गई है, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सी, तो अभी हम क्या है, हम उसी एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व में नीचे और ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसे हमने कहा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपनी खुद की प्राइस में वेरिएशन की वजह से, उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से और उसकी प्राइस घटने की वजह से, जब कोई कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व में ऊपर और नीचे की तरफ को मूव करता है तो उसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और जब वो बाहर की तरफ मूव करता है प्राइस घटने की वजह से तो वो कहलाता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि आउटवर्ड मूवमेंट, और जब वो प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है तो वो अंदर की तरफ को मूव करता है, उसे कहते हैं इनवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और ये इन टोटैलिटी कहलाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, लेकिन अगला सवाल ये समझ में आता है कि जब ये मूवमेंट है तो शिफ्ट क्या है, शिफ्ट क्या है, शिफ्ट क्यों होता है और शिफ्ट किस तरीके से होता होगा, देखिए समझते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम डिमांड फंक्शन को याद करने की कोशिश करते हैं कि डिमांड फंक्शन किन किन चीजों से, किन किन वेरिएबल से मिलकर के बना था। डिमांड फंक्शन वॉज कंप्राइजिंग ऑफ प्राइस ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड अदर वेरिएबल्स। ठीक, नाउ हमने डिमांड और प्राइस का डायरेक्ट, डिमांड और प्राइस इन दो प्रोडक्ट का रिलेशनशिप स्टडी कर चुके हैं हम, क्वांटिटी इज इनवर्सली रिलेशन टू प्राइस, जिसको हमने कहा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये डिपेक्ट होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में। तो ये बाकी वेरिएबल भी तो प्रोडक्ट की डिमांड को फर्क करते हैं, इन बाकी वेरिएबल की वजह से भी तो प्रोडक्ट की डिमांड को फर्क पड़ता है, तो वो बाकी वेरिएबल्स क्या हैं? देखिए मैंने आपको एक वेरिएबल और समझाया था जिसके बारे में मैंने कहा था मैं थोड़ा सा आगे जाकर के डिस्कस करूंगा, जिसे हमने कहा इनकम ऑफ एन हाउस होल्ड या इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स में एक वेरिएबल आता है इनकम,
अब इनकम का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। देखिए किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस, सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर की प्राइस है 50 रुपया, तो अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस घटेगी तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। ये तो बात है इसकी प्राइस की। लेकिन अगर इस प्राइस को फुलफिल करने के लिए मेरे पास इनकम होनी चाहिए, सपोज मेरी इनकम है 100 रुपया, तो 100 रुपये में मैं 50 रुपये का एक मार्कर ले सकता हूँ, और चाहूँ तो 50 रुपये का दो मार्कर भी ले सकता हूँ। मुझे एक महीने में दो मार्कर की आवश्यकता होती है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 ही रुपये हैं, तो 100 रुपये में से 50 रुपये मैंने मार्कर के लिए खर्च कर दिए, तो माई इनकम, नॉमिनल इनकम इज 100 रुपीज एंड द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 50 रुपीज। अभी यहाँ पे मैं रियल इनकम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अब सपोज मेरी इनकम बढ़ करके 200 रुपये हो गई, इनकम 200 रुपये हो गई, मार्कर की प्राइस 50 रुपया है, मेरे को दो मार्कर की आवश्यकता होती थी, तो अब मैं दो मार्कर भी खरीद सकता हूँ। यानी कि इनकम बढ़ने की वजह से भी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है। तो यानी कि इनकम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्राइस, इन द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड दिस इज व्हाट आवर डिमांड लॉ ऑफ डिमांड इज। अभी बताता हूं 2 मिनट में। तो यानी कि प्राइस चेंज, इनकम चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड भी वेरी कर रही है। देखिए इनकम आई, इनकम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो गई। तो अब जब बाकी सारे वेरिएबल्स रोल प्ले करते हैं डिमांड वेरी करने में, तो उसे हम कहते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। किस तरीके से, ड्रॉ करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा स्पेस चाहिए। क्वांटिटी एंड प्राइस, जब भी डिमांड कर्व बनाएंगे तो इस एक्सिस में क्वांटिटी बनेगी, इस एक्सिस में हमेशा प्राइस बनेगी। ये बाय डिफॉल्ट है, कभी अगर ना बनाऊ मैं, भूल जाऊं मैं, या नहीं बता पाऊं मैं, या कुछ भी हो, तो आप ये मानिए कि जब भी डिमांड कर्व की बात होगी तो यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस हमेशा रहेगी। और आप भी ये ध्यान रखिए कि जब भी आप डिमांड कर्व बनाएंगे, आपसे कभी कोई पूछेगा तो दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस। अब हमने कहा कि ये नॉर्मल कंडीशन का डिमांड कर्व है, राइट। अब अचानक मेरे को ऐसा हुआ कि मेरी 10,000 रुपये महीने से तनख्वाह बढ़ करके 20,000 रुपये महीने हो गई, तो 20,000 रुपये महीने होने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अब सपोज इनिशियली मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थी P1, प्राइस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस थी P1 और क्वांटिटी डिमांडेड थी Q1, यानी P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी डिमांड करी जा रही थी। अब मेरी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, लेकिन दिखाऊंगा कैसे मैं उसे, यहां बताइए वो इस तरीके से दिखाया जाएगा कि ये ग्राफ बाहर की तरफ को शिफ्ट होगा, तो इसे हम कहेंगे आउटवर्ड शिफ्ट। और अगर मेरी इनकम सपोज कम हो जाती है तो ग्राफ में होगा इनवर्ड शिफ्ट, और वो शिफ्ट कहलाएगा इस तरफ को। तो यानी कि इसी प्राइस पे अब मैं Q2 क्वांटिटी कंज्यूम कर सकता हूं या फिर Q3 क्वांटिटी कंज्यूम कर सकता हूं। अगर इनकम बढ़ गई तो नई इनकम पे Q2 क्वांटिटी हो जाएगी, और इनकम कम हो गई तो नई इनकम पे Q3 क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड कर्व, नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।